और उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इन दिनों जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के कामों की विपक्षी विधायक भी दीवाने हो गए हैं। दरअसल पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सांसद अनिल बलूनी के मोबाइल नेटवर्किंग में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। अब निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने कोविड के दौरान सांसद बलूनी के कामों की जमकर तारीफ की है। विधायक प्रीतम पवार का कहना है कि सांसद अनिल बलूनी के कोरोना के दौरान दिल्ली में रहकर भी उत्तराखंड की देश विदेश से लोगों के जरिए काफी मदद की गई है। संसाधन उपलब्ध कराने से लेकर आईसीयू बनवाने तक उनका काफी योगदान रहा है। उसके बावजूद भी मैंने धन्यवाद भी किया है माननीय सांसद जो हमारे राज्यसभा के अनिल बलूनी जी, उन्होंने भी आईसीयू के लिए शुरू करने के लिए चाहे उत्तरकाशी हो या अन्य जगह हो धनराशि स्वीकृत की है। और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश के अंदर दो जो कैंसर अस्पताल हैं उनकी स्वीकृति प्रदान कराई है, गढ़वाल में, कुमाऊँ में। निश्चित तौर पर वो बहुत ही जो है तारीफ के काबिल है ये सब चीज़ें। उत्तराखंड में 2022 को लेकर राजनीति जोर पकड़ रही है और उसका असर मानसून सत्र पर भी देखा जा रहा है। मानसून सत्र के पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहा। गुरुवार को कांग्रेस नेता साइकिल पर सवार थे और आज ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा पहुंचे। देखिए, मोबाइल कनेक्टिविटी, चार धाम, महंगाई, किसान, जारी है सियासी घमासान। उत्तराखंड विधानसभा की मानसून सत्र के पांचवें दिन भी हंगामा जारी रहा। 2022 से पहले आक्रामक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस गुरुवार को साइकिल पर सवार थी। शुक्रवार को कांग्रेस नेता ट्रैक्टर पर दिखाई दिए, केंद्र से पास हुए तीन कृषि कानून के विरोध में। कि जो तीन काले कानून है ये सरकार वापिस ले और हमारे यहाँ से प्रस्ताव पास करके केंद्र को जाए कि ये काले कानून वापिस होने चाहिए। और गन्ने का समर्थन मूल्य पाँच साल से एक रुपया नहीं बढ़ा है। आज चारों तरफ किसान परेशान हो और पिछले लगभग एक वर्ष से किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हुए काले कानूनों के विरोध में, लेकिन सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया वापस करते हुए अब तक इन बिलों को वापस नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर पर सवार कांग्रेस नेताओं ने गन्ना हाथ में लेकर प्रदर्शन किया, सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया, केंद्र से पास हुए तीन कृषि कानूनों को काला कानून करार दिया है। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोग किसानों के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस आज सड़क से लेकर सदन तक जो है किसानों के हितों के परिपेक्ष में अपनी बात कहने का काम करेगी। कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन किया बल्कि ट्रैक्टर से ही विधानसभा पहुंचे, जिस पर विधानसभा में तैनात मार्शल्स ने आपत्ति जताई, जिस पर काफी देर तक विधानसभा के बाहर हंगामा हुआ। बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के किसानों से किए थे, किसानों के ऋण माफी का वादा किया था लेकिन ऋण माफ नहीं हुआ। तीन काले कानून जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों, उत्तराखंड और देश के किसानों पर लादने का काम किया है, जिसका किसान पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। आज दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलनरत है, 600 किसानों ने अपनी शहादत देने का काम किया है, इसलिए आज कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जो है किसानों के साथ लाभवत होते हुए उनको विषयों को उठाने का काम भी कर रही है और उनके लिए संघर्ष करने का भी काम कर रही है। मानसून सत्र के पहले दिन से ही विधानसभा में हंगामा जारी है। कांग्रेस हर दिन अलग अलग मुद्दों के साथ सड़क से लेकर सदन तक आक्रामक है, जिस पर बीजेपी सरकार का अपना तर्क है। किसानों के मुद्दे पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि विपक्ष को किसानों के मुद्दे पर सदन में जवाब दिया जाएगा। विधानसभा के अंदर इनको इनके उत्तर का जवाब हम वहाँ पर देंगे कि गन्ना किसानों का हितैषी कौन सरकार रही है और किस समय पर जो सरकार आई उन्होंने गन्ना किसानों के लिए क्या क्या बेहतर काम किए। केंद्र सरकार की तीनों कृषि कानूनों पर पहले से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस भी शुरुआत से आपत्ति जता रही है। अब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। कवायद विरोध प्रदर्शन के आसरे किसानों के बड़े वोट बैंक को साधने की है।
देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट।